नमस्कार दोस्तों, फिश इन्फो चैनल की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पानी में ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज करने के बारे में बताऊंगा और पानी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का जो तरीका है वो भी मैं दिखाऊंगा किस तरह से बढ़ाना चाहिए और क्यों बढ़ाना चाहिए, और ये भी बताऊंगा पानी में ऑक्सीजन लेवल डाउन क्यों होता है। ज़्यादातर मामलों में ठंड का मौसम में इसमें इस तरह का प्रॉब्लम दिखता है, पानी में ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है। तो इससे हमारा मछली में कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती है और उससे बचने का कुछ तरीका जो है हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे तो उसमें काफ़ी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगा। तो गैस ऑक्सीजन सबको चाहिए, उसका लेवल अभी कभी भी डाउन हो जाए तो उसमें हर एक तरह का जीव को प्रॉब्लम हो सकता है और मछली को भी इस तरह का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो पहले जान लेते हैं ऑक्सीजन का लेवल ठंड के मौसम में क्यों डाउन हो जाता है। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं सूरज का धूप आने के साथ साथ जितना पेड़ पौधे हैं सब अपना ऑक्सीजन बनाना स्टार्ट कर देती है, और इसके साथ साथ अपना फिश पॉन्ड में जो फाइटोप्लांकटन है वो भी ऑक्सीजन बनाना स्टार्ट करती है और साथ साथ नेचुरल फीड भी बनाना स्टार्ट कर देती है। लेकिन ठंड के मौसम में कुछ उल्टा ही हो जाता है, क्योंकि उस टाइम काफ़ी ओस गिरने के कारण यानी जो फॉग होता है, फॉग के धुआं जैसा रहता है, इसके कारण धूप सीधा अपना फिश पॉन्ड में आ ही नहीं पाता है। उस टाइम टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है जिससे ऑक्सीजन भी बहुत कम मात्रा में बनता है। पानी में धूप कम गिरने के कारण अपना फाइटोप्लांकटन जो है वो भी ऑक्सीजन कम बनाना स्टार्ट कर देती है। तो इसी कारण के वजह से हमेशा ठंड के मौसम में फिश पॉन्ड में ऑक्सीजन का कमी रहता है, और ऑक्सीजन का कमी का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाना, जिससे एमोनिया बनने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसी कारण के चलते हमेशा एक चीज़ आप लोग सुबह को देखते होंगे, अपना फिश पॉन्ड में मछलियाँ सुबह को फंस जाती है, जग जाती है, फिर ये मछलियाँ चारों तरफ घूम घूम के मरने लगती है। तो उस टाइम आपको पता चलता है आपका फिश पॉन्ड में एमोनिया हो गया, यानी ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी हद तक लो हो चुका है, जिस वजह से मछलियाँ इस तरह से मरना स्टार्ट कर देती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो गैस ऑक्सीजन लेवल डाउन होने के साथ साथ और कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है, जैसे कि पानी का कलर जो है वो हल्का पीला कलर का हो जाना, पानी में पानी का कलर कभी कभी काला रंग का हो जाता है, और कभी कभी मछलियाँ अपना फिश पॉन्ड में खाना छोड़ देती है। इस तरह का कई सारे प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है ऑक्सीजन का लो डेंसिटी होने के वजह से। तो इसको हम लोग अगर हमेशा इंक्रीज कर पाते हैं तो इसमें एमोनिया बनने का खतरा जो है बहुत कम हो जाएगा। तो हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारा फिश पॉन्ड में ये ऑक्सीजन का लेवल हमेशा अब बढ़ जाए। तो ठंड के मौसम में जैसे ऑक्सीजन लेवल कम रहता है तो उसको बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप हम लोगों को लेना चाहिए। इसमें से सबसे बेस्ट तरीका है वाटर बॉडी को सर्कुलेट करना, यानी जितना हम पानी को ऊपर नीचे करेंगे उसमें ऑक्सीजन का लेवल उतना ज़्यादा हाई हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा नदियों के तरफ ध्यान देंगे तो उसमें पानी हमेशा बहता हुआ आप लोगों को नज़र आएगा। नदियों में पानी हमेशा बहता रहता है, ऊपर का पानी नीचे का पानी इस तरह से सर्कुलेट होता रहता है, जिसमें पानी के में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में घुलने लगता है, और पानी में ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होने के कारण कभी इसमें अमोनिया नहीं होता है, गैसेस नहीं होता है, मछलियाँ भी नदियों में कभी भटकती ही नहीं है। तो आप और मेरा फिश पॉन्ड में इस तरह का और नेचुरल जो सर्कुलेशन है वो बिल्कुल तैयार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फिश पॉन्ड में नेचुरल सर्कुलेशन तैयार नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ तरीका हम लोग ले सकते हैं जिसमें सर्कुलेशन द्वारा ही अपना फिश पॉन्ड में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो चलिए इसके ऊपर ही आज का इस टॉपिक है और मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ और दिखाऊंगा किस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं। तो इस सर्कुलेशन करने का दो तरीका आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, एक है वाटर पंप का इस्तेमाल और दूसरा है एरेटर का इस्तेमाल। आपके पास अगर पैडल व्हील एरेटर है तो उससे आप अपना फिश पॉन्ड में इसको चला के पानी में ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन आपके पास ये एरेटर नहीं है तो आप वाटर पंप का मदद से ही अपना फिश पॉन्ड में जो पानी को सर्कुलेट कर सकते हैं और पानी में ऑक्सीजन बढ़ा सकते हैं। तो मैं आज वाटर पंप का यूज़ करके अपना फिश पॉन्ड में पानी का सर्कुलेशन करूँगा, और ये हमेशा जितना दिन ठंड रहेगा लगभग उतना दिन तक ही ये 2-3 महीना हर एक फिश पॉन्ड में सेट रहेगा, जिससे हमेशा इस चीज़ को मैं अप्लाई करता रहूँगा। कई बार ऐसा होता है लोग समझ ही नहीं पाते इसको कब चलाना चाहिए, वो रात का समय चला देते हैं, कोई दिन में चलाते हैं। तो गाइस आज आप ये भी जान पाएंगे सही समय कौन सा है और उसी समय में क्यों चलाना चाहिए, इसका रीज़न भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए अपना
काम धीरे धीरे होता रहे और बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता जाता हूँ और पीछे जो चलाने का रीज़न है बाद में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पानी का जो बनावट है उसमें ऑक्सीजन का मिलावट कैसे होता है। तो ये चीज़ जानने से आपको आगे जाके काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है, ये जानकारी आपको ज़रूरी है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं पानी रेत जैसा होता है, रेत का जो बनावट होता है छोटा छोटा दाने जैसा होता है, पानी का बनावट बिल्कुल ही ऐसा ही है। और ज़्यादा समझाने के लिए मैं ये शीशे का बॉल को दिखा रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिए। तो दोस्तों ये बॉल जो है वो पानी है, असल में पानी इसी तरह का ही रहता है, गोल गोल छोटा छोटा दाना इसमें रहता है, लेकिन हम लोग खाली आंखों से इसको देख नहीं पाते हैं। इस बॉल के गैप में कुछ जगह रहता है, देखिए तो पानी का भी गैप रहता है, ये बॉल के जैसा होने के कारण इसमें बीच बीच में गैप रहता है, उसी गैप में जाके हवा रहता है और हवा के साथ उसमें ऑक्सीजन रहता है। तो जब भी हम लोग अपना वाटर बॉडी को सर्कुलेट करते हैं तभी इस जो पानी है वो ऊपर की तरफ उछलता है, उछलने के बाद इसमें छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाता है और छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ने के बाद उसमें छोटे छोटे और ज़्यादा गैप बनने लगते हैं, उसी गैप में हवा घुसता है और हवा के साथ ऑक्सीजन भी घुस जाता है जो पानी में जाके गिरता है। गिरने के बाद पानी में ऑक्सीजन लेवल काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तब अगर आपका फिश पॉन्ड में एमोनिया प्रॉब्लम होता है, मछलियाँ जग जाती है, तो उस समय अगर आप लोग वाटर सर्कुलेशन करते हैं अपना मोटर द्वारा या एयरेटर द्वारा, तो उसमें पानी में ऑक्सीजन इसी तरह से घुल जाता है और कुछ ही समय में आपका फिश पॉन्ड में एमोनिया का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है, यानी ऑक्सीजन का लेवल हाई हो जाता है। तो पानी इस तरह से सर्कुलेट करने से इसी सिस्टम की वजह से उसमें ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है। तो दोस्तों अभी जान लेते हैं इसको यूज़ करने का सही समय कौन सा है। कई बार लोग रात को इसको सर्कुलेशन करते हैं, तो रात में जैसे कि मैंने बताया ऑक्सीजन जो है वो रात में बनता नहीं है, ऑक्सीजन बनने का समय धूप के साथ साथ होता है। तो जब भी आप रात में और सर्कुलेट करते हैं तो उतना ज़्यादा ऑक्सीजन अपना फिश पॉन्ड में जा नहीं पाती है। तो सबसे बेस्ट तरीका और समय जो है वो दिन का समय ही होता है। ठंड के मौसम में आप 3 से 5 के बीच ही आप इस अपना फिश पॉन्ड में वाटर को सर्कुलेट करेंगे तो बेस्ट रहेगा। तब उस टाइम धूप रहता है, तो धूप जब रहता है तो सर ऊपर की तरफ ऑक्सीजन काफ़ी रहता है, मतलब हवा में काफ़ी ऑक्सीजन का मात्रा रहता है, लेवल रहता है, वो बनता रहता है। तो उस टाइम अगर हम लोग अपना फिश पॉन्ड में वाटर बॉडी को सर्कुलेट करेंगे तो उसमें पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में घुलने का संभावना बढ़ जाता है। तो उस टाइम सबसे बेस्ट रहता है इसको यूज़ करने के लिए। तो अगर हम लोग दिन में इसी चीज़ को इस्तेमाल कर देते हैं और अपना फिश पॉन्ड में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा के छोड़ देते हैं तो पानी में काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन रह जाएगा, जिसके वजह से हमें रात को एमोनिया का जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरा ओपिनियन है, अलग अलग किसान भाइयों को अलग अलग सोच हो सकता है। कोई रात को सोच रहे होंगे रात को चलाना अच्छा होता है, रात में पानी गर्म रहता है, तो जो भी है आपका डिसीजन है। मेरा जो मानना था वो मैंने जिस चीज़ को इस्तेमाल करता हूँ, मैं जिस चीज़ को मानता हूँ वो मैंने बताया, बाकी आप अपना हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा जितना मोटर था सारा फिश पॉन्ड में सेट हो चुका है और मैं आप लोगों को घूम घूम के थोड़ा दिखाता हूँ और वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट का व्यू भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है और सनलाइट भी काफ़ी अच्छा है। ठंड के मौसम में इस तरह का सनलाइट मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, काफ़ी खूबसूरत सा दिखता है, लाल लाल सनलाइट है, तो इसमें वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप लोग प्रोजेक्ट का व्यू भी देख सकते हैं और साथ साथ मोटर का जो चलाने का समय है, जो इसी धूप के टाइम या 3-4 बजे तक हम लोग चलाते हैं, तो उसी का व्यू भी आप लोग देख पा रहे हैं। तो मैंने इस यहाँ पे लगभग सारा चीज़ जो है लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ और इस चीज़ को आप लोग ज़्यादा पसंद भी करते हैं। मेरे पास हमेशा फ़ोन कॉल SMS आता ही रहता है, दादा आप जिस तरह से लाइव प्रूफ के साथ सारा चीज़ दिखाते हैं, समझाते हैं, वो बहुत आसानी से हमें समझ भी आती है। तो आप लोगों के पास मेरा मैसेज सही तरह से पहुंचता है और आप इस चीज़ को आसानी से समझ पाते हैं तो वो मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूँगा, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आगे से कौन सा वीडियो आप लोगों को चाहिए और कौन सी जानकारी आप जानना चाहते हैं उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसी के बारे में वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आप लोगों से विदा लेता हूँ।